हमारे साथ में इस समय मोहसिन रजा साहब हैं, योगी सरकार पार्ट वन में मंत्री रहे लेकिन इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया है। मोहसिन साहब, क्या लगता है योगी सरकार पार्ट टू में मौका नहीं मिला, क्या वजह लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि मौका हम सबको मिला है और सारे कार्यकर्ताओं को मिला है सबका काम करने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। बात इसकी नहीं है कि किसी को दायित्व मिला सरकार में, किसी को नहीं मिला, लेकिन हम सब कार्यकर्ता समर्पित हैं आदरणीय मोदी जी से लेकर और बूथ का हमारा जो कार्यकर्ता है, हम सब समर्पित हैं उत्तर प्रदेश नहीं देश की 125 करोड़ जनता के लिए। हमारा समर्पण देश के प्रति है और लोगों के प्रति है। जिस तरह से योजनाओं को पहुँचाने का काम किया, जिस तरह से कोरोना में हमारे एक एक कार्यकर्ता ने घर से निकल कर काम किया है, वो अभूतपूर्व रहा है और शायद उसी का परिणाम देखने को मिला है कि योजनाएं जो आदरणीय मोदी जी की और उसका क्रियान्वयन आदरणीय योगी सरकार ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, कोरोना काल में जिस तरह से जीवन बचाना और जीविका को पटरी पर लाना सारे काम हमने एक साथ किए हैं। तो इसलिए आज फिर से एक बार अवसर मिला है जनता की सेवा करने का, 5 साल और, तो 5 साल और सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा सत्ता में आना सेवा भाव होता है हमारा। हम सत्ता में मेवा खाने नहीं आते हैं, जो मेवा खाने आते थे उनको निकाला है उत्तर प्रदेश की जनता ने और विश्वास किया है आदरणीय मोदी जी पर, आदरणीय योगी जी पर, तो उस विश्वास को और आगे बढ़ाना है। कहीं उम्मीद जो थी वो लगता है टूटी है? उम्मीद तो निश्चित रूप से लेके चल रहे होंगे जो काम किया था उसके बाद। देखिए, ऐसा है, हम लोग सारी चीज़ें संगठन पर छोड़ते हैं, नेतृत्व पर छोड़ते हैं। नेतृत्व ने जो को जिसको काम दिया है वो अपना काम करेगा। जिस तरह से बूथ का कार्यकर्ता, हम भी एक कार्यकर्ता ही हैं, आदरणीय मोदी जी भी एक कार्यकर्ता हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी भी एक कार्यकर्ता हैं, तो जो दायित्व जिसको मिलता है उसका निर्वाह करना चाहिए, उसको 100% देना चाहिए। हमारा ये संकल्प है, वो करते रहेंगे। यानी उम्मीद की टूटने ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं। हम इसलिए दुख की बात नहीं कर रहे, इससे पहले हम क्या थे, हमें यह सोचना होगा। अगर हम वो चीज को सोचें कि एक छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है, एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है और एक छोटा सा कार्यकर्ता मंत्री है, तो एक कार्यकर्ता ही तो है वहां पर जो गया है। हम और यहां आ गया, वो वहां चला गया, फिर हम यहां आ जाएंगे, क्योंकि हमारा चक्कर ये चेंज चलती रहना चाहिए, सेवा नहीं रुकना चाहिए प्रदेश की जनता। अपने काम को लेकर संतुष्ट है लगता है, 5 साल में काम किया? मुझे लगता है हम सब संतुष्ट है, हमारा पूरा संगठन संतुष्ट है। अब उसने क्या दायित्व तय किया है वो जब देगा तो मैं फिर उसमें चला जाऊंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।